सभी साथियों को मुसाफिर का नमस्कार। दोस्तों, भारत में जो जितने भी माताओं की शक्तिपीठ है, उनमें से प्रमुख की शक्तिपीठ जहां हम आपको लेके आए हैं वो है तेलंगाना राज्य के वरंगल शहर का माँ भद्रकाली का मंदिर। तो हम अब मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। ये देखिए दीप माला है, कैसे दीप जलते हैं। और ये आप माता जी को देख रहे होंगे, हम यहाँ से भी जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। ये मंदिर देवी काली माता को समर्पित है, जो कि देवी दुर्गा के नव रूपों में से एक है। ये देखिए माता जी की प्रसन्न मूर्ति है, वाह क्या खूबसूरत मूर्ति है। तो मित्रों, ये भद्रकाली मंदिर 625 ईस्वी सन के पूर्व तक चालुक्य वंश के राजाओं के शिलालेखों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए कितना पुरातन मंदिर है, और ये देखिए आप स्ट्रक्चर पूरा मंदिर का, वाह क्या खूबसूरत मंदिर है, क्या पवित्र मंदिर है, क्या पवित्र स्थल है ये। ये देखिए जो छोटे छोटे मंदिरों में अलग अलग देवताओं की देवियों की आपको मूर्तियाँ दिखेगी, बड़ा ही खूबसूरत ये माजरा है, ये नज़ारा है तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के वरंगल शहर में स्थित ये भद्रकाली माता का मंदिर बहुत ही पुरातन मंदिर है। पूरे भारत वर्ष से यहाँ भक्तगणों का तांता लगा रहता है साल के 12 महीने। और ये देखिए पिलर, हर पिलर पर आपको डिज़ाइन मिलेगी, हजारों साल के बाद भी ये कितना मजबूती से खड़ा है मंदिर। इस मंदिर में देवी काली की अष्टभुजा प्रतिमा सुशोभित है, जिसके दर्शन के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि पूरे भारतवर्ष से भक्त आते हैं और देवी माता के दर्शन का लाभ उठाते हैं। देवी काली का यह मंदिर दक्षिण भारत ही नहीं, संपूर्ण भारत के हिंदू धर्म के भक्तों में आस्था है इस मंदिर। ये नवग्रह के आप देख रहे हो मूर्तियाँ, ये बहुत ही दुर्लभ होता है कि एक ही जगह पर नवग्रह की मूर्तियाँ ये यहाँ पर है। और इस मंदिर का मैं वर्णन क्या करूँ, क्या खूबसूरत मंदिर है और क्या लोकेशन है, ये देखते ही बनता है। दोस्तों, हम आपको पूरा मंदिर परिसर, प्रदक्षिणा मार्ग सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। हम अभी पश्चिम द्वार की तरफ जा रहे हैं मंदिर के, ये देखिए यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से माता जी का दर्शन लिया जाता है प्रदक्षिणा करते समय। और अब हम मुड़ रहे हैं उत्तर द्वार की ओर। और वैसे भी दोस्तों, ये वरंगल बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, काकतीय वंश के राजाओं की राजधानी रहा है। यहाँ आप चार चांद लगा सकते हैं, इतने धार्मिक स्थल है यहाँ पर, इतने धार्मिक स्थल है। ये माता जी को चढ़ाने के लिए, ये देखिए हम सब कुछ दिखाने की, ये माता जी को चढ़ाने के लिए चढ़ावा साड़ी वगैरह यहाँ पे मिलती है। और भक्तों का मानो मेला लगा रहता है, और खासकर नवरात्रि और चैत्र में तो इतना बड़ा यहाँ उत्सव होता है, धार्मिक गतिविधियाँ होती है, अन्नदान होता है, भक्तों की तौबा, भीड़ यहाँ पे जमती है। ये देखिए माता काली, और बहुत ही बड़ा पुरातन खूबसूरत मंदिर है। आप जरूर एक बार आके यहाँ पर दर्शन लेना चाहिए। वरंगल में और भी कई ऐतिहासिक स्थल है, किला है, और बहुत सारे दर्शनीय स्थल यहाँ पर है। उसमें का सबसे प्रमुख स्थल है ये माँ भद्रकाली का मंदिर, पुरातन हजारों साल पुराना मंदिर। तो यहाँ पर तो आपको आना ही आना है। ये देखिए माता जी का जब मिरुनुक निकलती है गांव से, तो ये मंदिर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। फिर से आपको दिखा दूं, ये दीप भक्तगणों द्वारा हमेशा देवी माता के स्मरण में चढ़ाए जाते हैं।
हम माता जी का दर्शन आपको यहाँ से कराने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है ये। वाह, ये होम हवन होता है यहाँ पर माता जी के नाम पर, यज्ञ होम हवन। तो बहुत ही पुरातन और खूबसूरत मंदिर है, हजारों साल के बाद भी आज भी। और ये जो तालाब आप देख रहे हैं मंदिर के सामने, ये नेचुरल तालाब है, कोई नदी वगैरह यहाँ नहीं है, नेचुरल तालाब है। साल के 12 महीने ये भरा रहता है। और बहुत ही पहाड़ियों में बसा है वारंगल शहर, खासकर मंदिर परिसर जो है बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए होम हवन यहाँ होते रहते हैं साल के 12 महीने। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वारंगल शहर को बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक परंपरा है। यहाँ पर 1000 पिलर का मंदिर है, जो बहुत कम दुनिया में देखी जाती है। 1000 पिलर का पुरातन मंदिर है। और ये देवी मंदिर के तो क्या कहने। ये देखिए ये तालाब बिल्कुल मंदिर के सामने है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से जाने को मन नहीं करता, इतना खूबसूरत ये सब माँ भद्रकाली का मंदिर है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप यहाँ ज़रूर आके माता जी का दर्शन लीजिए, और आपका पर्यटन भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएगा। इतनी खूबसूरत ये जगह। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर, ये नेचुरल है, कोई उठा के तो नहीं रख सकता। क्या कुदरत का करिश्मा है। देखिए ऐसे कई पत्थर मंदिर के आजू बाजू में आपको मिल जाएंगे। तो बहरहाल हमारी कोशिश थी कि नवरात्र में भारत की वो प्रमुख शक्तिपीठ आपको दिखाया जाए। तो ये सबसे प्रमुख शक्तिपीठों में एक है तेलंगाना के वारंगल का माँ भद्रकाली का ये मंदिर। तो मुझे विश्वास है कि ये मंदिर आपको, ये देखिए कितने बड़े पत्थर हैं, तौबा, कितने बड़े पत्थर। मंदिर के चारों तरफ ये तालाब, ये पत्थर और ये मजबूत मंदिर दिखेगा। तो आप जरूर यहाँ आकर के भेंट दीजिए। आपको कहा था कि ये मंदिर के आजू बाजू में देखिए कितने बड़े पत्थर, और ये नेचुरल है, इतने बड़े पत्थर तो कोई लाके रख नहीं सकता। तो देखिए कितने बड़े भव्य ये पत्थर, और ऐसे ही माहौल में ये मंदिर है। वाह, तो ये देखिए इसकी भव्यता मैं आपको बताता हूँ। तो ये आजू बाजू में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ये तो है, ये देवी जी का मंदिर तो है ही, और इसके आजू बाजू में सब ऐसे पहाड़ों में बसी है ये देवी, वारंगल शहर के बिल्कुल बाजू में है। और ये देखिए जिसे कहते हैं कि टोपी गिर जाएगी, इतने ऊंचे ऊंचे है पहाड़, नेचुरल। और ये ऐसे कई खूबसूरत मंदिर, ये देखिए देवी माता का मंदिर, ये देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी मूर्ति है। और जिधर देखोगे आप, देखिए कितना खूबसूरत बनाया है ये ध्यान ग्रह, ध्यान धारणा करने के लिए। ये देखिए वाह, ये भक्तों को बैठने की जगह है, आराम करने की, या कुछ फूड वगैरह प्रसाद वगैरह लाया है तो वो खाने की। और खास करके ये साइड का जो दृश्य आप देखेंगे तो बहुत चक्य हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये देखिए गौ माता जी, श्री कृष्ण जी। और ये गौ माता जी देखिए कितना हसीन, कितना ये गौ माता जी के लिए भी फैन, कितनी सेवा की जाती है गौ माता जी के लिए। और मैं जो बोल रहा था वो 625 साल पुराना ये भद्रकाली तालाब, ऐसा कहते हैं कि 625 साल में कई बार अकाल पड़े होंगे, लेकिन यहाँ का पानी ख़त्म नहीं हुआ। और ख़ास बात यह है कि ये किसी नदी पर नहीं है, एक नेचुरल स्पॉट है। और उसके पहले और शायद आपको वारंगल शहर भी दिखता होगा, शहर का कुछ हिस्सा। और ये ऐसे स्टोन तो बहुत है। तो दोस्तों मेरी विनती है कि आप यहाँ पर आ करके ये देवी माँ का आशीर्वाद लीजिए, दर्शन लीजिए, और ये पर्यटन का भी आनंद लीजिए। इसी भावना के साथ मुसाफिर आपसे इस ब्लॉक के हद तक विदाई लेता है। जय हिंद।